हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको भगवान कृष्ण के बांसुरी धारण करने का रहस्य बताने जा रही हूँ। वैसे हम सब जानते हैं कि आज जन्माष्टमी है। आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर कृष्ण की भक्ति और भजन सुनने को मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन के जितने प्रश्न हैं उन सबके उत्तर भगवान कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की कथा और गाथा उतनी ही रोचक है जितने कि स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण के जन्म से लेकर जीवन तक कई रहस्य और कथाएं छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक रहस्य है श्री कृष्ण की बांसुरी का। श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सबको मोहित कर देती थी। युगों युगों से हम श्री कृष्ण की छवि में उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखा है। आज जन्माष्टमी के मौके पर मैं आप सबको बताती हूँ कि श्री कृष्ण के बांसुरी की कथा। दोस्तों, भगवान कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छिपा हुआ है। आज भी कई लोग श्री कृष्ण के बांसुरी से जुड़े कहानी को नहीं जानते हैं, तो आइए सुनते हैं कथा। भगवत पुराण की कहानी के अनुसार एक बार श्री कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर तान सुनकर गोपियों ने उन्हें बातों में लगाकर श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने पास रख लिया। इसके बाद गोपियों ने बांसुरी से पूछा, तुमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तुम कान्हा के होठों को स्पर्श करती रहती हो? ये सुनकर बांसुरी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण के समीप आने के लिए जन्मों से प्रतीक्षा की। बांसुरी ने कहा, जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास काट रहे थे उस दौरान मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक चीज़ें थी, लेकिन भगवान ने मुझे ही महत्व दिया। उनके हृदय में अथाह प्रेम था, इस कारण मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की। लेकिन उस काल में वे मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इसलिए श्री कृष्ण अवतार में अपना वचन निभाते हुए भगवान ने मुझे अपने पास रखा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस समय देवी देवता वेश बदलकर श्री कृष्ण की बाल लीला को देखने के लिए आए थे। उस समय भगवान शंकर भी श्री कृष्ण से मिलने धरती पर आने की सोच रहे थे, किंतु वह यह सोच कर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें क्या उपहार देना चाहिए। भगवान शिव इस सोच से परेशान होने लगे कि कौन सा उपहार भगवान कृष्ण को दे जिसे वह हमेशा अपने पास रखे। फिर भगवान शिव को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की शक्तिशाली हड्डी है। ऋषि दधीची ने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर अपनी हड्डियों का दान किया था। भगवान शिव ने उस हड्डी से एक सुंदर ध्वनि वाली बांसुरी का निर्माण किया। जब भगवान शिव श्री कृष्ण से मिले उस समय भगवान शिव ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप बांसुरी दी। उसी समय से हमेशा श्री कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं। आई होप आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।